कहीं चिली चिकन आप लाल रंग का देखेंगे तो कहीं सफेद। आपकी रेसिपी, मेरी रेसिपी, किसी और की रेसिपी हो सकता है थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो। मेरी रेसिपी क्या है चलिए मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मैंने दो लार्ज चिकन ब्रेस्ट लिए हैं बोनलेस और इनको मैं बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर ले रही हूँ। और अब इनको मैं थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा विनेगर लगाऊंगी। आई एम एडिंग अबाउट 1/4 teaspoon ऑफ सॉल्ट और इसके साथ 1 teaspoon विनेगर। और ये है मेरे पास चिली गार्लिक का पेस्ट, ये मैं ले रही हूँ 1 teaspoon। और इनको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके मैं इसे छोड़ दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ताकि जो चिकन ब्रेस्ट है ये सारे फ्लेवर्स को अब्सॉर्ब कर ले। और अब इन चिकन के पीसेस को फ्राई करने के लिए इसके लिए मैं एक बैटर बनाऊंगी। और इसका बैटर बनाने के लिए मुझे चाहिए कॉर्नफ्लावर, तो ये 2 tablespoon मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया। और अब इस कॉर्नफ्लावर में मैं मिलाऊंगी एग वाइट, ओनली द वाइट पोर्शन, मुझे इसका जो पीला हिस्सा है वो नहीं चाहिए। तो आई एम टेक ओनली द वाइट पोर्शन और इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसमें मिलाऊंगी 1 tablespoon पानी, ज़्यादा नहीं। इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, चिकन में भी सॉल्ट है तो बैटर में एहतियात से सॉल्ट डालेंगे। इसे अच्छे से आप विस्क कर लीजिए। अब इन चिकन के पीसेस को इस बैटर में डिप करेंगे और डीप फ्राई करके निकाल लेंगे। ऑयल कितना गर्म होगा? मीडियम हॉट, यानी कि अगर मैं यहाँ हाथ रखूँ आई शुड फील द हीट, बट बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए नहीं तो मेरा बैटर जल जाएगा और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड ऑल दीज चिकन पीसेस हियर टू माय बैटर। इन्हें अच्छे से आप कोट कर लीजिए और फ्राई कर लीजिए। एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए इस पे लाइक दिस एंड वी विल गेट दिस आउट। तो ये चिकन के पीसेस फ्राइड एंड रेडी। और अब बारी आती है डालने की इनको एक ग्रेवी में। और कॉर्नस्टार्च बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 1 teaspoon कॉर्नस्टार्च लेंगे और इस पे डालेंगे विनेगर 1 tablespoon। विनेगर भर के मैं डालूंगी और मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा सोया सॉस। ये डार्क सोया सॉस है मेरे पास तो मैं डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आई एम टेकिंग दिस and I'm adding to this a cup of water. इसे कर लेते हैं हम मिक्स। बहुत थोड़ा सा सॉल्ट भी जाएगा इसमें कॉर्नस्लरी को बैलेंस करने के लिए। That's it. और इस पैन को खाली गर्म होने देते हैं जब तक कि ये बहुत अच्छे से गर्म नहीं हो जाता। पैन जब अच्छे से गर्म हो जाएगा डालेंगे हम इसमें 1 tablespoon ऑयल। इसमें डालूंगी मैं गार्लिक, ये मिंस किया हुआ गार्लिक है तो 1 tablespoon गार्लिक। तो पहले इस गार्लिक को थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करूंगी मैं ये ग्रीन चिलीज, इनको भी बस 10-15 सेकेंड के लिए आप कीजिए सौते। और अब इसमें ये क्यूब्स में कटा हुआ अनियन, एक अनियन को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, ये ऐड कर रही हूँ। और ऐड कर रही हूँ ये कैप्सिकम और इसे भी हम टॉस कर लेते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी अपने चिकन के पीसेस, ये जो चिकन को मैंने फ्राई करके रखा है। तो दीज चिकन पीसेस गो इन नाउ, इनको भी मिक्स कर लीजिए। मिर्चे भैया अब अपना काम दिखाना शुरू कर चुकी हैं। ये जो कॉर्न स्लरी है ये कॉर्न स्लरी मैं पोर कर दूंगी। इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे और तब इसके ऊपर पोर करेंगे। जल्दी से मिक्स कर दीजिए, टॉस कर लीजिए। सो द चिकन विल अब्सॉर्ब सम ऑफ दिस लवली स्लरी एंड एज इट कुक्स ये थोड़ा सा ग्लॉसी भी हो जाएगा
और थिक भी हो जाएगा। कि अगर आप इसको ग्रेवी वाला रखना चाहते हैं तो व्हाट यू डू, जो मैंने कॉर्न स्लरी बनाई थी उसकी आप डबल क्वांटिटी बनाएंगे और वो डबल क्वांटिटी इसमें ऐड करेंगे, राइट। और ये एज दिस कुक्स यू विल नोटिस ये चिकन पीसेस पूरे इस स्लरी से कोट हो जाएंगे एंड आई विल हैव अ नाइस यमी यमी चिली चिकन रेडी विद मी। एक चुटकी चीनी, इस एक चुटकी चीनी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, इस चिली चिकन के स्वाद को और भी बढ़ाने वाला है और इसके तीखे को और भी करारा करने वाला है ये एक चुटकी चीनी। तो लीजिए, हो गया चिली चिकन रेडी और मैं लेती हूं इसका मजा। और अगर आपको मजा लेना है तो आपको क्या करना है, इस रेसिपी को घर में ट्राई करना है। तो लीजिए, तैयार है मेरा वाला चिली चिकन, आसान है ना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कितनी देर भाई, बस तुरंत अभी कर लीजिए। और हाँ, लाइक करना और ये बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।